वीना की रसोई में बन रहे सूजी बर्फी, ये बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट है। इस वीडियो की पूरा देखिए, एक एक करके डिटेल से बताएंगे। हेलो फ्रेंड, मीना के रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी सूजी बर्फी। इस वीडियो की पूरा देखिए। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बर्फी बनाना स्टार्ट करती हूँ। सूजी का बर्फी बनाने के लिए एक कटोरी सूजी ले लिए है, दो बड़ी स्पून मिल्क पाउडर ले लिए है, एक पिस्ता ले लिए, आधी स्पून इलायची पाउडर ले लिए है, दो स्पून देसी घी ले लिए है, चार स्पून नारियल का बुरादा ले लिए है, एक कटोरी चीनी ले लिए है, एक कटोरी दूध ले लिए। फ्राई पैन चूल्हे पर चढ़ा दिए, चूल्हे के जला लेंगे। ये उबाले हुए दूध है, इसे इसमें डाल लेंगे। दूध फ्राई पैन में डाल लिए हैं, दूध को चला लेंगे। दूध गर्म हो चुकी है, ये साबुत चीनी है, इसमें डाल देंगे। चीनी दूध में डाल दिए, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से चलाकर चीनी घुला लेंगे। चीनी घुल गई है, इसमें ये मिल्क पाउडर डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये देसी घी है, एक स्पून इसमें घी डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सूजी है, बारीकी वाली सूजी है, इसमें डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सूजी अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये नारियल का बुरादा है, इसमें डाल देंगे, इसे अच्छे से चला लेंगे। इस तरह से चला चला कर मिक्स करेंगे। इसे चलाते रहेंगे, ये मिक्स होती जाएगी। नारियल की बुरादा इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। ये इलायची पाउडर है, इसमें डाल देंगे, इसे मिक्स करेंगे। एक स्पून घी डाल दिए हैं, इसे मिक्स करेंगे। इस तरह से डाल डाल कर घी अच्छे से मिक्स करेंगे। सारे घी एक बार नहीं डालेंगे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद घी डालते रहेंगे। घी डालने से ये इसमें चिपकेगी नहीं, ये अच्छे से मावा बन के तैयार होगी। इसे चलाते रहेंगे, जितना चलाएंगे उतना ये मावा बन के तैयार होगा। इस सूजी बर्फी को तेज आंच पर नहीं पकाएंगे, कम आंच पर पकाएंगे, नहीं तो नीचे से जल जाएगी। ये अच्छे से बर्फी का मावा तैयार नहीं होगी, इसलिए इसे कम आंच पर इसे पकाएंगे। इसे चला चला के एक से दो मिनट इसे और पका लेंगे कम आंच पर। दो मिनट हो चुकी है, ये अच्छे से पक गई है। गैस के कर देंगे बंद, इसे नीचे उतार लेंगे। नीचे उतार लिए है, इसमें एक स्पून घी डालेंगे, इसे अच्छे से चला लेंगे। इस मावा के एक से दो मिनट इसे चला लेंगे, इस तरह से चला लेंगे। एक मिनट तक इसे अच्छे से चला लिए है। एक प्लेट ले लिए है, इसमें थोड़ी सी घी डाल लेंगे, इसे चारों तरफ लगा लेंगे। चारों तरफ अच्छे से घी लगा लिए है, इसमें ए मावा डाल लेंगे। थोड़ी सी पानी ले लिए, इस पलटा से निकाल लेंगे। पानी लगा लगा कर इसमें से निकाल लेंगे। इसमें से सारे निकाल लिए हैं, पलटा में थोड़ी सी पानी लगा लिए है। इस तरह से इसे चारों तरफ पलटा से फैला लेंगे। पलटा से इसे चारों तरफ अच्छे से फैला लिए हैं। थोड़ी सी हाथ में पानी लगा लेंगे, इसे हाथ से बराबर कर लेंगे। बराबर हो गई है, पिस्ता का बारीकी कटी हुई है, इसमें लगा लेंगे। इस तरह से सारे में लगा लेंगे। इसमें पिस्ता के कचरन से सजा लिए, आप काजू या बादाम से ये सजा सकते हैं। इसे 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। 10 मिनट के बाद इसे निकाल लेंगे। 10 मिनट हो चुकी है, फ्रिज से निकाल लिए हैं, ये अच्छे से सेट हो गई है। इसमें से निकाल के इस पर डाल लेंगे। इस तरह से निकाल लेंगे, ये अच्छे से सेट हो गई है, इस पर डाल लेंगे। एक स्केल ले लिए है, इसे इससे काट लेंगे। इस तरह से सारे काट लेंगे।
अब दूसरे तरीके से काट लेंगे। इस तरह से सारे काट लेंगे। सारे काट लिए, इसे प्लेट में डाल लेंगे। एक प्लेट ले लिए, इस प्लेट में सारे बर्फी डाल लेंगे। सूजी बर्फी बनके रेडी हो चुकी है। घर में बनाइए, टेस्ट कीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो की लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटा दबा दीजिए, जिससे मेरे अगले वीडियो आप तक पहुँच पाए। हम मिलते हैं दूसरे रेसिपी में। जब तक अपना और अपनों के ख्याल रखिए। नमस्कार।